दोस्तों, आज इकोनॉमिक सर्वे सरकार के द्वारा प्रकाशित हुआ और ये इकोनॉमिक सर्वे जो जमीनी हालात है उस जमीनी हालात से बिल्कुल परे है। और इस संवाद मेल के द्वारा हम जमीनी हालात और जमीनी जो सच्चाई है वो देश के सामने ले जाना चाहते हैं आपके द्वारा। इकोनॉमिक सर्वे के अगर आप सरकारी की जो आवाज है, सरकारी पक्ष है, तो पक्ष तो उनका रूप तो ऐसा है, उनका व्यवहार ऐसा है, तो सब चंगा सी, पर वास्तविक में आज लोगों की हालात ठीक नहीं है। महंगाई को लेकर ये सरकार पूरी तरीके से विफल, आज भी महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पाई। लगभग 10% प्रतिवर्ष, और अगर आप सीरियल्स का देखें 11%, सब्जियों का 15%, स्पाइसेस के 19%, दूध का 7%। जो अमीर है वो तो खरीद लेगा ये सब, अमीर को महंगाई से मतलब नहीं, लेकिन जो गरीब है, जो मध्यम वर्ग का है, वो जब देखता है कि मोदी जी का मतलब महंगाई, मोदी मतलब महंगाई, तो वो सवाल उठाता है कि कब तक रुकना पड़ेगा गरीब और मध्यम वर्ग को, कब उनसे उनको रिहाई मिलेगी महंगाई से, इस कमोड़ तोड़ महंगाई से। जिसका उत्तर अगर आज आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़े तो उसमें भी नहीं मिलेगा। और आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला जी को तो महंगाई दिखती ही नहीं। कल भी जब उनका भाषण आएगा या बाद में जब उनका उत्तर आएगा, वो यही बोलेगी, कहां है महंगाई, महंगाई है ही नहीं। यूपीए का जिक्र करेंगे, आज से 15 वर्ष पहले की बात करेंगे, तो आज बहुत अफसोस की बात है कि कोविड के बाद जो देश में जो असमानता बढ़ी है उसको लेकर जो गरीब मध्यम वर्ग आज इस महंगाई की लड़ाई में सरकार से सुविधा मांगता है, ताकत मांगता है, रिहाई मांगता है, उसको रिहाई के बजाय सिर्फ स्लोगन्स मिलते हैं। होने वाला है, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का जो आर्थिक प्रगति हुआ है उस प्रगति और भी आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय निर्मला जी जो रख रहे बजट, तो विश्व में आज भी अभी तेजी गति से जो बढ़ने वाले फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है और हमारा ग्रोथ भी जो अच्छा है, उसके लिए पूरक जो होगा वैसा ही बजट रहेगा। और ये विश्व में जो हम तेजी से बढ़ रहे हैं, आगे आगे भी बढ़ेगा।